Sooraj Barjatya, Bollywood film industry ka one of the most talented director, producer, screenwriter aur distributor hai. Jinhone at present Rajshri Productions ka chairman hai. Aur Sooraj Barjatya ke directed filmon se kuch filmein Bollywood highest crossing film ka list mein shamil hai. Aur Sooraj ko father of Shahid naam se pure India mein pehchan jaate hai. To dosto, aaj main director Sooraj Barjatya ke box office cushion analysis ke bare mein batane wali hu. तो अगर आप हो सूरज के फैन तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना. तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं. नंबर वन, मैंने प्यार किया. यह 1989 का म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है. इसको डिट किया है सूरज बर्जेतिया ने और इसमें सलमान खान भाग्यश्री लीड रोल में है. इसमें प्रेम और सुमन के बीच में प्यार को दिखाया गया है और इस फिल्म को देखकर 90s फैन को जरूर पहले प्यार का याद दिलाता है. और इस फिल्म का गाना मेरे रंग में रंगने वाली अभी भी एक एवरग्रीन सॉन्ग है. और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.3 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 3 करोड़. इंडियन कलेक्शन है 18 करोड़. वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 45 करोड़ और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई. नंबर टू, हम आपके है कौन. ये 1994 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको डेट किया है सूरज बर्जेतिया ने और इसमें सलमान खान माधुरी दीक्षित लीड रोल में है. इसमें निशा और प्रेम अपने बड़े भाई बहनों की शादी में मिलता है और प्यार में पड़ जाते हैं. लेकिन इन दोनों के बीच फैमिली कैसे एक बड़ा इशू बन जाता है वह इसमें दिखाई गई है. और इस फिल्म को 5 फिल्म फॉर अवार्ड्स मिला है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.5 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 8 करोड़. इंडियन कलेक्शन है 72 करोड़. वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 128 करोड़ और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई. नंबर थ्री, हम साथ साथ हैं. यह 1999 का ड्रामा फिल्म है और इसमें सलमान खान सैफ अली खान ताबू लीड रोल में है. इसमें ममता का तीन बेटा विवेक प्रेम और विनोद. जैसे कि विवेक ममता का सौतेली बेटा है इसलिए वो उसे अलग करने की कोशिश करते हैं और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.2 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 20 करोड़. इंडियन कलेक्शन है 40 करोड़. वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 60 करोड़ और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई. नंबर फोर, मैं प्रेम की दीवानी हूँ. ये 2003 का रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है. इसको डिट किया सूरज बर्जेतिया ने और इसमें ऋतिक रोशन करीना कपूर लीड रोल में है. इसमें प्यार को लेकर बॉस और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 4 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म फ्लॉप निकला. नंबर फाइव, विवाह. यह 2006 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको डिट किया है सूरज ने और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव लीड रोल में है. इसमें एक अनाथ लड़की पूनम के साथ प्रेम का एंगेजमेंट होते हैं पर शादी का दो दिन पहले पूनम ने आग से फर्स्ट डिग्री जल जाती है और इसके बाद इन दोनों के लाइफ में क्या होता है वह इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.6 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 8 करोड़. इंडियन कलेक्शन है 35 करोड़. वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 50 करोड़ और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई. नंबर सिक्स, प्रेम रतन धन पायो. ये 2015 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको डिट किया है सूरज बर्जेतिया ने और इसमें सलमान खान सोनम कपूर और नील नितिन मुकेश लीड रोल में है. इसमें अपने राज्य अभिषेक के 4 दिन पहले एक मर्डर की प्रेस से बचने के लिए एक टफ राजकुमार को एक ही जैसे देखने वाले एक रोमांटिक लड़के के साथ बदल दिया जाता है और यह फिल्म 2015 का बॉलीवुड सेकंड हाइस्ट क्रॉसिंग फिल्म रहा और इसका IMDb रेटिंग मिला 4.5 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 180 करोड़. इंडियन कलेक्शन है 230 करोड़. वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 432 करोड़ और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई. तो दोस्तों, ये रहा डायरेक्टर सूरज बर्जेतिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में. इन सभी फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और इस तरह के बॉलीवुड साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना.